हेलो, तो 1 घंटे में आ रहा है, समझ गए? तैयार रहना, छह तैयार सात दिन के रहना। लिए जा रहा है बाहर। बताया था ना अच्छा, सुबह, भूल गई क्या? हाँ हाँ तो आप कई जगह बताए थे, कहाँ जा रहे हैं? लद्दाख? तो प्लान ए बताए थे, प्लान बी बताए थे, प्लान ए कैंसल हो गया, लद्दाख कैंसल हो गया, क्योंकि वहाँ पुंचुक वांगड़ू जो है स्ट्राइक कर रखा है। लद्दाख खुला भी नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग अच्छा अपनी करक्की पढ़ाई लेके जाएंगे सिक्किम। अच्छा सिक्किम जाना है 1 ही घंटे हाँ, में? 1-1 घंटे में सब क्या? तुमको तो बोला ही था तुम्हारे बैग पैक करके रखो, अरे एक यार, आप घंटे वाला बोले थे सामान भी तो शाम को, अकेले ही नहीं तो कल लेके। सुबह निकला जाएगा। मैंने आज बोला था कभी भी तैयार रहना, कभी भी मैं आऊंगा और तुमको फोन करूंगा, 1 घंटे में निकल जाया जाएगा। हाँ, आप हर बार यही करते हैं, सुबह से हम तैयार होकर सज धज के बैठे रहेंगे। चलिए बस ठंडी ठीक का है, कपड़ा ले हाँ लेना सबके लिए, ठीक है, पैक करने दीजिए अब। चलिए ठीक, जाइए। गाड़ी अभी 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, गाड़ी नीचे लेके आएंगे, मुझे घर के अंदर घुसना ना पड़े, सब हाँ सामान डायरेक्ट निकाल के आप रख देंगे डिक्की में, ठीक है? ओके हाँ ठीक है बाबा, तो करने तो दीजिए। ओके चलिए, बाय। या सपने पूरे होते हैं और कुछ लोग आपके सारथी बनकर उसको पूरा करवाते हैं। मेरे जिंदगी में भी मेरे जीवन साथी मेरा सारथी बन के आया। मैं जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। तो ये कहानी है अनप्लान फैमिली रोड ट्रिप की, जिसमें 3 जनरेशन के लोग हैं। पहला मेरी सासू माँ, दूसरा मैं और मेरे पति देव जी, तीसरी मेरी क्यूटी पाई मिशको। ओह सॉरी, मैं एक इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर से तो आपको मिला नहीं भूल गई। अरे मेरी सौतन करिक्की पढ़ाई, मतलब अपनी महिंद्रा की बुलेरो नियो, जो हमारा पूरा साथ देगी इस अनप्लान्ड सिक्किम के ट्रिप में। तो आइए चलते हैं, चलो सिक्किम। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, गोरखपुर से सिक्किम की तरफ। अब देखिए कितना किलोमीटर है, वैसे दिखा तो रहा था 700 किलोमीटर के अप्रोक्स। तो हम लोग मुजफ्फरपुर होके निकलेंगे। मुजफ्फरपुर के बाद पता नहीं कैसे निकलना कैसे नहीं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन फिलहाल जो है ये सोच के बैठे हैं कि पहले मुजफ्फरपुर जाना, आज रात को स्टे करना। अभी बज रहे हैं 5:15, वो भी शाम के। अभी देखते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ से गोरखपुर से सिक्किम पहुँचने में कितना समय लगता है, कितना किलोमीटर है एग्जैक्ट, गैंगटॉक तक कितना किलोमीटर है, और कितने की हमारी बोलेरो नियो जो गाड़ी है कितने की माइलेज देती है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के साथ बने रहें और थोड़ी देर में हम सिक्किम पहुंच के, थोड़ी दिन में नहीं 1 दिन बाद पहुंच के आपको ये सब अपडेट करवाते हैं। 1, 2, 3, 4। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं सिक्किम। ये सिक्किम जाने से पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे तुम बताओ? बुआ पास। पहले हम लोग जाएंगे बुआ पास। बुआ कहाँ रहती है? बुआ कहाँ रहती है? उधर ही रहती है। अच्छा, तब तो बहुत नजदीक रहती है बुआ आपकी। मेरे को कहाँ है हम लोग अभी? नौका बिहार। लगभग हम लोग 189.6 किलोमीटर चल चुके हैं गोरखपुर से, और बोलेरो नियो का माइलेज देखिए, अकल्पनीय माइलेज दे रहा है, 26.1 किलोमीटर पर आवर पर लीटर का। बताइए 26 लीटर की माइलेज, यार मजाक चल रहा है, बढ़ते ही जा रहा है माइलेज। हाँ घट ही नहीं रहा, पहले मुझे लगा 24 हो गया, 24 से नीचे ही रहेगा,
फिर 25 गया, अब 26 चला गया। गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये तो उल्टा हो रहा है, जितना चल रहा उतना माइलेज दे रहा है। वैसे गाड़ी में बहुत अच्छा चला रहा हूँ, 60-70 की स्पीड पे रख के चल रहा हूँ, और हाईवे काफी अच्छा है। मे भी पॉसिबल इसलिए जो है माइलेज इतना अच्छा दे रहा है 26 किलोमीटर, लेकिन 26 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है बोलेरो न्यू N10 तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी थोड़ी जगह कहीं कहीं मैंने क्रूज पे भी चलाया है, और मैंने कोई रस में नहीं चलाया, आराम से शांति से चलाया है, इसलिए मेरे ख्याल से मे भी पॉसिबल ये 26 का माइलेज दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर 26 का माइलेज दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार ये लड़की किसी और के हाथ से खा रही है, अंतरिम चमत्कार होते हुए अब मैं अपनी बेटी को फूफा के भरोसे छोड़ दूंगी। किन्ना हो ए थकावट के देवी? रात को हम लोग पहुंच गए थे 10:30-11 बजे मुजफ्फरपुर, और फिलहाल हम लोग का जो ट्रिप है मीटर दिखा रहा है वो 269 किलोमीटर तक दिखा रहा है, ठीक है। और गाड़ी ने माइलेज दी है मुजफ्फरपुर तक, एकदम चौंकाने वाला माइलेज है इसका, ये देखिए 24.9, ऑलमोस्ट 25 का माइलेज दे दिया है गाड़ी ने। अब हम लोग निकलना है मुजफ्फरपुर से सिक्किम के लिए, और टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है 6:50 ऑलमोस्ट 6:50 टाइम हो रहा है, और हम लोग राहुल नगर ब्रह्मपुरा में रुके थे। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ से सिलीगुड़ी कितना दिखा रहा है, 379 सिलीगुड़ी, ऑलमोस्ट समझ के चलिए कि 380 किलोमीटर सिलीगुड़ी दिखा रहा है। अब चलते हैं, देखते हैं कितना दिखा रहा है इसमें, अपनी मीटर में कितना दिखाएगा वो देखते हैं। अब देखिए सिलीगुड़ी से हम लोग गैंगटोक जा पाते हैं या नामची में रुकते हैं या कालिंगपोंग में रुकते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग फिलहाल 2 घंटा लेट चल रहे हैं। मैंने सोचा था 5 बजे निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए स्टे ट्यून्ड। अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग जा रहे हैं सिक्किम, और अभी हम लोग कहाँ से आए हैं? बुआ के यहाँ से। यस, पहले हम लोग बुआ के यहाँ रुके। हम लोग दरभंगा पूर्णिया होके किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी निकलेंगे, कुल मिला जुला के बात ये। ऐसे करके एरो मारा था मोबाइल में, देखते रहना भाई। हाँ, वही देख रहे, कटना कैसे नहीं कटना ना पता चला, एक भी आगे गए तो पीछे आने में दिक्कत। ये देखिए हम लोग अब दरभंगा के लिए मोड़ रहे हैं, दरभंगा और पूर्णिया के लिए मोड़ रहे हैं, और यहाँ पे भी लगता है 4 लेन मिलेगा कि कैसा मिलेगा आपको बताते हैं। हम लोग तो कभी आए नहीं, यहाँ भी 4 लेन थोड़ा दूर तक दिख ही रहा है, अब आगे पता नहीं है भी कि नहीं है नहीं तो। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मेरे ख्याल से ट्रक की वजह से नहीं दिख रहा है, ट्रक हट जाएगा तो आपको बोर्ड दिख जाएगा। ओ, टोल रोड स्टार्ट, टोल रोड का बोर्ड नहीं लगा है, बोर्ड लगा है टोल रोड का। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बने रहिए, आपको दिखाते हैं, रोड भी दिखाएंगे, जगह भी दिखाएंगे, और अपना टूर भी दिखाएंगे। देखिए दरभंगा लिखा हुआ है, दरभंगा लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर। अरे फिर सीतामढ़ी इधर ही से जाते हैं क्या? 58 किलोमीटर, मुझे लगता है बीच में रास्ता सीतामढ़ी का अलग हो जाएगा, ऑलमोस्ट दोनों शाम बगल में ही है। अगर आपको जनकपुर घूमना है तो यहाँ सीतामढ़ी के रास्ते जनकपुर भी जा सकते हैं। जनकपुर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सीता माता के लिए फेमस है, सीता माता का जन्म वहीं पे हुआ था, इसलिए जनकपुर पड़ गया था। भीड़ सवेरे सवेरे खचाखच है, हमको लगता है आज सिलीगुड़ी भी पहुंच, सिलीगुड़ी तो पहुंच जाएंगे, उसके आगे कहाँ जा पाएंगे कहाँ नहीं जा पाएंगे पूरा वैसे मामला गड़बड़ा गया मेरा। मैंने सोचा था 5 बजे निकलेंगे, शाम के 5 बजे तक हम लोग गैंगटोक में हो गए, अब लगता है गैंगटोक की जगह कोई और लोकेशन चूज करना पड़ेगा, इसे कहते हैं रैंडम प्लानिंग। कौन सी वैसे भी प्लानिंग यार है, तो आप इस
प्लान बी ए बी सी डी जितना प्लान बना सके उतना प्लान बनाइए। वैसे भी हमारा रैंडम ही प्लान रहता है हमेशा, गाड़ी लेके चल तो रैंडम प्लान रहेगा ना, जो अच्छा लगा। इतना तो ज्ञान ज्ञानी है नहीं हम लोग, ज्ञान तो लिए नहीं है, जो ज्ञान मिलता है यूट्यूब पे मिलता, इसलिए आजकल हम लोग भी यूट्यूबर हो गए हैं। तो जाना है ही हाँ, और बैठ के बोरिंग होने से अच्छा है एक वीडियो ही बना देते हैं आप लोगों के लिए, और क्या चाहिए लाइफ में, और मजा भी आता है, क्या पता कमाई भी हो जाए, सबसे बड़ी बात तो है। चलिए वो तो दूसरी बात है, लेकिन एक मेमोरी कैप्चर होना बहुत बड़ी बात है। मेमोरी कैप्चर होना किसी को हम लोग रेगुलर हो भी नहीं पाए, लेकिन मजा आता है आजकल वीडियो बनाने में। यूट्यूबर देख देख के हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज पे यूट्यूब सर्च करते हैं, पहले गूगल सर्च करते थे, अब यूट्यूब सर्च करते हैं। तो आप भी यूट्यूब सर्च करिए, देखिए रोड कैसा है दरभंगा का। फिलहाल तो 4 लेन है दरभंगा, यहाँ से 61 किलोमीटर है। चलिए बने रहिए, ज्यादा बड़ा वीडियो बना देंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे, दिन भर बकैती करने की आदत है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, देखिए दरभंगा वाला हाईवे है ये दरभंगा तो पार हो गया है, ये तो पूर्णिया वाला हाईवे है और काफी अच्छा हाईवे है। थोड़ा बहुत गड्ढा है, यहाँ तो गड्ढा भरा गया है दरभंगा के पास से, लेकिन दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में गड्ढा नहीं भरा गया था। बाकी अभी दिखाते हैं, क्या पता मैं अभी तो बोल रहा हूँ, बाद में पता चले गड्ढा मिले, इसका भी फीडबैक देंगे आपको, टेंशन। किची दे दो मतलब दे दो, पहुंच ही नहीं पा रहा मेरा बेटा। ओले ओले ओले, ना पापा कैसे देंगे, अब पापा तो गाड़ी चला रहे हैं। दो तो हम लोग रास्ते में यहाँ पे एक ढाबे में रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। पांडे जी हम लोग को बैठा दिए हैं और अपने देखिए मसाज के मजे ले रहे हैं। ये 100 रुपये में शायद 20 मिनट किया था इनका मसाज। मेरी बेटी भी उसी में अपना कूदा फानी कर रही थी, इनको भी बड़ा मज़ा आया, लास्ट में ये भी करवाई थी अपना थोड़ा मोड़ा मसाज। और हम लोग खा रहे थे, जब तक हम लोग खाए तब तक इनका मसाज वगैरह हो गया था, उसके बाद ये फ्रेश होके फिर से गाड़ी चलाने के लिए तैयार थे। तो फ्रेंड लोग हम लोग पहुँचने वाले हैं सिल्लीगुड़ी, लगभग बंगाल में एंटर कर गए हैं हम लोग बिहार से। और क्या बोलते हैं, हम लोग ने पूर्णिया वाला रास्ता तो पकड़ा था, फिर उसके बाद हम लोग पूर्णिया नहीं गए, उससे पहले एक 0 माइल करके आता है, वहाँ से ऐसे एरो मारा गया था और उस पर लिखा था सिल्लीगुड़ी 135 किलोमीटर। अभी रास्ता जो है नया नया बन रहा था, ये लेटेस्ट अपडेट है, रास्ता नया नया बन रहा था, तो 35-40 किलोमीटर जो है रास्ता उतना अच्छा नहीं है, है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, मान के चलिए बेकारी है, लेकिन उसके बाद रास्ता अच्छा है। और दूसरा रास्ता पूर्णिया से था जो 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, आपकी मर्जी है जो भी रास्ता पकड़ के आएंगे टाइम उतना ही लगना है। लेकिन इधर से आएंगे तो ये वाला जो पानी टंकी वाला रास्ता है, यहाँ आपको पानी टंकी नक्सलवारी ये बागडोगरा इस रास्ते निकालेगा, तो ये वाला बहुत खूबसूरत रास्ता है, आप आना चाहे तो इस रास्ते आ सकते हैं। अब ये सीन देखिए, जैसे बंगाल में एंटर किए हैं, ये गांव है और कितना साफ गांव है, एकदम साफ सुथरा रोड है। यहाँ पे मिट्टी जैसे अपने यूपी बिहार में मिट्टी उछल के हमेशा मुंह पे आ जाती है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। और ये देखिए पुअरा, जिसको हम लोग पुअरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये गांव है भाई, बेसिकली ये गांव है, कितना खूबसूरत अच्छा, गांव है, कितना अच्छा सा घर बना है, असली गांव, तो असली गांव का फीलिंग लेना तो यहाँ पे आइए, साफ सुथरा गांव मिलेगा आपको एकदम बकायदा वाला, और पुराने जमाने का भी कुछ मोनूमेंट टाइप का ही दिख रहा है, ट्रेडिशनल गांव है एकदम। ये पानी टंकी बगल में ही है, यहाँ से हम नेपाल चले जाएंगे हम लोग इसी रोड से, तो इस रोड से हम लोग नेपाल भी जा सकते हैं, अगर आप लोग को वहाँ से मूड बदल जाए और नेपाल घूमने का मन हो तो नेपाल हो आइए। ये पानी टंकी हम लोग पार करते हुए, पानी टंकी के बाद आएगा नक्सलवारी, नक्सलवारी के बाद आएगा बागडोगरा है, बागडोगरा तो जानते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए फेमस है, बागडोगरा के बाद आएगा अपना सिल्लीगुड़ी, सिल्लीगुड़ी के बाद कहीं भी जा सकते हैं, अब वो पता नहीं कहीं से कहाँ जाएंगे। देखिए इधर देखिए, यहाँ से तो रास्ता आपको रटाया ही होगा, टी गार्डन जंगल सब कुछ है यहाँ, डोगरा हवाई अड्डा 4 सिल्लीगुड़ी 14 घुसने जाएगा। सो हम लोग पहुंच चुके हैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी,
जहाँ पर से हम पढ़े थे। यस गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग हैं इस समय रंगोली में और ये 26 माइल से लगभग 13 किलोमीटर ऊपर है। हम लोग हमेशा की तरह हम लोग जाते कहीं और हैं, पहुंचते कहीं और हैं, तो इस बार भी यही हुआ। हम लोग जा रहे थे नीचे सिक्किम के रास्ते, मतलब वहाँ पे सिक्किम हम लोग जाने वाले थे और बीच में आई गेस कहीं पे जो मेन 26 माइल है जहाँ से टर्न होता है वहाँ पे पत्थर वत्थर कुछ गिर गया है, तो पुलिस वालों ने हमें इस रास्ते भेज दिया ऊपर और अब हम लोग पहुंच गए हैं एक खूबसूरत सी जगह। आइए दिखाते हैं वहां का नजारा। चे, आ, चे, चे, चे।